हाई एवरी वन दिस इज अन वेलकम टू पी एच डी जॉब्स एंड एडमिशन आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर अपकमिंग एच एन बी गरवाल यूनिवर्सिटी पी एच डी एंट्रेंस एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो आज के इस वीडियो में मैंने मेनली टॉप ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं सैंपलिंग हाइपोथिस टेस्टिंग एंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन रिसर्च इस टॉपिक्स पर ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम इस टॉपिक से एग्जाम में कंपलसरी फोर टू फाइव क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जैसे कि आपके एच एन बी अग्रवाल यूनिवर्सिटी के पी एच जी एंट्रेंस एग्जाम के लिए लेस देन ट्वेंटी डेजिंग है, है इसलिए हमने आपकी प्रिपेरेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी तो का कम्पलीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोध दी लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश सो so, हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है और हमें आपको मैसेज करना है मैसेज करने के 15 टू 20 मिनट्स में हम आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे एंड हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल तो हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स नोट्स नोट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड हंड्रेड प्लस प्रैक्टिस एम सीक्स पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश सो हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये कोर्स फॉलो करते हो सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो कि आपका सेक्शन ए होता है आप इजिली उस सेक्शन को क्लियर कर लोगे और हमारा जो ये स्टडी मटेरियल हमने हमारे के के और PhD entrance exam में जैसे type questions आते हैं वो सारे questions हमने कवर करे हैं हमारे नोट्स में हमने जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हमने हाईलाइट कर, कर बताया हुआ है सो so, हमारे नोट्स और मोक्टिस को आप एक वीक में ही कम्प्लीट कर सकते हो और जो आपका बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी पर लगा सकते हो सो सेक्शन बी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स के स्टडी मटेरियल फॉलो करिए इन केस आपके पास सेक्शन बी के लिए स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं सो so, हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है एंड फी फॉर कोर्स इज जस्ट फोर नाइन एंड लेट्सिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एट हैंड इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा डेटा होता है जिसमें अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करता है ओके okay? सो so, उस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा सो स्टूडेंट्स अगेन इस क्वेश्चन में भी आपके लिए एक की वर्ड है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जनरेटेड मीन्स यहाँ पर रिसोर्चर ने इंफॉर्मेशन जनरेट किया है So, जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन रिसर्चर जनरेट करता है वो प्राइमरी डेटा के अंतर आता है ओके okay? अब रिसोर्च में दो टाइप के डेटा होता है एक होता है आपका प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसमें रिसर्चर खुद ही डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं ओके एंड द सेकेंडरी डेटा जो होता है वो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है या फिर कोई पुराने रिसर्चर ने उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी जो रिसर्च की होती है वो पर्टिक, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा सो so, हियर रिसर्चर ने कोई इंफॉर्मेशन जनरेट की है कुछ न्यू इंफॉर्मेशन रिसर्चर ने खुद ही जनरेट की है सो so, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी प्राइमरी डेटा नेक्स्ट डैश इज द प्राइमरी डेटा कलेक्शन सोर्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन सा सोर्स होता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो कि गवर्नमेंट का डेटा होता है और वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है ऐसा डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल हो वो सेकेंडरी डेटा के अंडर आता है नॉट इन प्राइमरी डेटा दट आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी बुक्स एंड जर्नल्स बुक्स एंड जर्नल्स में भी जो भी पुराने रिसर्चर ने रिसर्च किया था पर्टिकुलर टॉपिक पर उस रिस उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और

Is a form of इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है जिसमें रिसर्चर या फिर इंटरव्यूर रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मीन फेस टू फेस सो उस फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन को हम कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू में रिसोर्च डायरेक्ट रिस्पॉन्डेंट से फेस टू फेस क्वेश्चन पूछता है दैट्स आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा देन आपको ऑप्शन बी गिवेन है टेलीफोन इंटरव्यू टेलीफोन इंटरव्यू में आप डायरेक्ट फेस टू फेस क्वेश्चन नहीं पूछते हो दैट्स आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी ई अगेन ईमेल के थ्रू भी फेस टू फेस आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते दैट्स ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पर्सनल इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें रिसर्चर या फिर इंटरव्यूर रिस्पॉन्डेंट को डायरेक्ट फेस टू फेस क्वेश्चन पूछता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है की इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का सोर्स होता है सो स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी प्राइमरी डेटा से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन सॉल्व किया था मीन्स आप ये गेस कर सकते हो कि आपके पेपर में प्राइमरी डेटा से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन कंपलसरी आते ही है सो यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है आपको इन दोनों डेटा में डिफरेंस पता होना चाहिए ओके okay. सो so, यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है न्यूज पेपर्स एंड जर्नल्स न्यूज पेपर्स एंड जर्नल्स जिसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है ऐसी ऐसे चीज और ऐसा सोर्स जिसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो आपका सेकेंडरी डेटा के अंदर आता है नॉट इन प्राइमरी डेटा डॉक्टर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी आपको गिवन है memories. Memories क्या होता है जिसमें बायोग्राफिस अगेन जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसी को एक्सप्लेन किया जाता है ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी क्वेश्चन जिसके थ्रू आप रिस्पॉन्डेंट uh, से क्वेश्चन पूछ कर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो विच कम्स अंडर प्राइमरी डेटा दैट्स वे आपका यहाँ पर कलेक्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन एस सो स्टूडेंट्स टाइप टू एरर अकर्स व्हेन सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप टू एरर कब होता है सो so, अगेन हम इस क्वेश्चन को इस टेबल के हेल्प से सॉल्व करेंगे सो हियर ऑप्शंस की तरफ हम चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज द नल इज ट्रू बट वे रिजेक्टेड सो हम टेबल में देखेंगे जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है ओके okay, मीन्स आपको यहाँ पर फर्स्ट रो में देखना है जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने उसको रिजेक्ट कर लिया तो so, ये कौन से टाइप का एरर होगा टाइप वन एरर होगा ये ओके okay? ये टाइप टू एरर नहीं होगा दैट्स वाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट देन ऑप्शन बी द नल इज फॉल्स एंड वी रिजेक्टेड ओके सो मीन्स आपको यहाँ पर अभी इस टेबल में सेकेंड रो में देखना है सो नल हाइपोथिस आपकी फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया मीन्स आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट है ऑप्शन 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 बी बी में कोई एरर ही नहीं है दैट्स हियर इज अगेन देन सी द नल इज ट्रू एंड वी एक्सेप्ट इट सो अगेन आपको यहाँ पर टेबल में देखना है और यहाँ पर आप फर्स्ट रो में देखेंगे जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ले रहे हो आपका जो डिसीजन है ये करेक्ट डिसीजन है अगेन ऑप्शन सी में कोई error नहीं है, है, क्या हो रहा पर? फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसे हम कहते हैं टाइप टू एरर सो यस टाइप टू एरर अकर्स व्हेन

स्टेटिफाइड सैंपलिंग मेथड आप तब यूज करते हो जब आपकी पॉपुलेशन हाइड्रोजीनियस हो अब हमने देखा था सिंपल रैंडम होमोजीनियसुल मेथड में और सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड और नेक्स्ट इज क्लस्टर सैंपलिंग मेथड ओके सो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथर्ड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग तब यूज करते हो जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस जनरली क्लस्टर सैम्पलिंग हो okay? सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और सी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज आप स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड तब यूज करते हो जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन

ओके सो रिसर्चर अपने रिसर्च में क्यूरियस होते हैं दैट्स पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा स्प्रिट ऑफ फ्री इंक्वायरी देन पर आपको ऑप्शन बी गिवन है रिलायंस ऑन एंड पर आपको ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा और दिस इज नोन एज स्टूडेंट ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी ये एक रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक भी होता है जहां पर रिसर्चर को अपने ऑब्जर्वेशन और इविडेंस पर भरोसा होना चाहिए तभी रिसर्चर रिसर्च कर पाएंगे पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी आपको गेवन है सिस्टमैटाइजेशन और ऑफ नॉलेज सो पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा सिस्टमैटाइजेशन स्टेप्स प्रॉपर और एक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जब भी रिसर्च और रिसर्च परफॉर्म करते हैं सो रिसोर्चर अपने रिसर्च को एक सिस्टमैटिक वे में परफॉर्म करते हैं कुछ स्टेप में कुछ स्ट्रक्चर फॉलो कर रिसर्च को परफॉर्म करते हैं दैट्स पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा

प्रॉपर मेंशन करते हैं सो so, वो सेक्शन वो किस सेक्शन में उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है ओके okay. सो so, पर आपको ऑप्शन ए गिवन है बिब्लियोग्राफी बिब्लियोग्राफी क्या होता है जहाँ पर रिसोर्चर जिन भी पुराने रिसोर्चर का इंफॉर्मेशन टेक्स और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उनको प्रॉपर उनका नेम लिखते हैं जिसको हम कहते हैं रेफरेंस तो यहाँ पर बिब्लियोग्राफी आ, मैं किसी रिसोर्चर किसी लोगों का थैंक्स नहीं करते

सेंट्रल टेंडेंसी अब हमें फाइंड आउट करना है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है ओके सो सेंट्रल टेंडेंसी आपके डेटा के सेंट्रल या फिर टिपिकल वैल्यू को भी कहते हैं ओके okay. अब जैसे कि इस डायग्राम में मीन मीडियन एंड मोड ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल वैल्यू को बताता है ओके सो मीन मीडियन एंड मोड बेसिकली आपके डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपके डेटा की सेंट्रल वैल्यू को बताता है सो so, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन इफ मोर देन टू वैल्यूज आर फॉर एनालाइजिंग डिफरेंस इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करेंगे जब हमें दो से ज्यादा ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करना होता है सो so, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनोवा बिकॉज एनोवा टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम मोर देन टू मीन को कंपेयर करते हैं ओके? Okay? जब भी हम दो से ज्यादा ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं तब हम एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे और जब भी हम सिर्फ दो ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं तब हम टी टेस्ट एंड जी टेस्ट का यूज करेंगे ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में इस टॉपिक से टू टू फोर क्वेश्चन आते ही है आप पेपर में आप इस टॉपिक से दो से चार क्वेश्चन आप देख ही लोगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है आप जरूर उसको देख लीजिएगा फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा एनोवा टेस्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज रैंडम सैंपलिंग हेल्पफुल इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है रैंडम सैंपलिंग कैसे हेल्प करती है हमें ओके सो रैंडम सैंपलिंग ये एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप होती है जिसमें हम रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं ओके okay, अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं ऑप्शन ए आपको गिवन है रेजनेबली एक्यूरेट सो यहां पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बिकॉज़ हम

रिसर्च परफॉर्म नहीं करते बल्कि उस में से कुछ ज्यादा okay? so, स्पेंड नहीं होता है इसलिए रैंडम सैंपलिंग जो होती है वो इकोनॉमिकल मेथड होती है डेटा कलेक्ट करने के लिए देन ऑप्शन सी आपको गिवन है फ्री फ्रॉम पर्सनल पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज रैंडम सैंपलिंग में रिसर्चर रैंडमली सैंपल्स को पॉपुलेशन में से कलेक्ट करता है ना कि रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस जजमेंट और ओपिनियन को आगे रखकर सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहा है दैट्स जो रैंडम सैंपलिंग है है उसमें बायसनेस कम होती रिसर्चर के बायसनेस मीन बायस मीन झुकाव ओके सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल दी बिकॉज ए बी एंड सी तीनों भी ऑप्शन आपके करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन

ओपिनियंस के बेसिस पर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो अब कोटा सैंपलिंग में आप किस तरीके से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो तो so, आप क्या करते हो पहले हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में से आप होमोजीनियस पॉपुलेशन बनाते हो अब कैसे इस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे तो so, यहाँ पर आपको एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन गिवेन है दिस इज हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन अब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को आप क्या करते हो कोटा सैम्पलिंग में ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हो अब जैसे आप यहां पर देख रहे हो ये आपकी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है जिसमें मेल और फीमेल दोनों भी है अब रिसर्चर ने यहाँ पर क्या किया रिसर्चर को स्टडी करना था मेल पर अब फोर्टी जिनकी एज फोर्टी से ज्यादा है वो मेल्स पर रिसर्चर को स्टडी करना था so, रिसर्चर ने इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को पहले होमोजिनियस ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर रिसर्चर ने एक फोर्टी ईयर्स के मेल को ले लिया आप रिसर्चर क्या करेंगे इस होमोजेनियस ग्रुप से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने जजमेंट के हिसाब से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करेंगे अब कैसे मान लीजिए यहाँ पर रिसर्चर को लग रहा है इस पर्सन से मुझे डेटा मिल सकता है रिसर्च so, रिसर्चर इस पर्सन को लेंगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने जजमेंट के हिसाब से तो नेक्स्ट रिसर्चर को लगता है मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकता है मुझे इस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इसको ले लूंगा तो so, इस तरीके से कोटा सैंपलिंग में रिसर्चर होमोजीनियस ग्रुप में से अपनी कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं

टाइप होते हैं सेकेंड होता है आपका सेकेंडरी डेटा प्राइमरी डेटा में रिसर्चर खुद अपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करके खुद इंफॉर्मेशन डेवलप करते हैं बाय इंटरव्यूज इंटरव्यूज के थ्रू सर्वेस के थ्रू थ्रू खुद को कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर किसी और ऑथर्स का या फिर किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन अपने रिसर्च में यूज करते हैं तो सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर खुद इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट नहीं करते रिसर्चर यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में किसी और लोगों का किसी और ऑथर का किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करते हैं सो कहते हैं सेकेंडरी डेटा दैट्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंडरी डेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैंपलिंग यूनिट्स इज कॉल इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैंपलिंग की जो लिस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं सो रिमेंबर जब भी रिसर्च रिसोच परफॉर्म करते हैं, रिसोर्च परिस एक पॉपुलेशन लेते हैं और उस पॉपुलेशन के सब पार्ट पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, और जिसे हम कहते हैं सैंपल ओके तो सैंपल को सेलेक्ट करने के और सैंपलिंग के भी कुछ स्टेप्स होते हैं सो तो फर्स्ट स्टेप में आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपकी टारगेट तो पॉपुलेशन क्या होगी अब टारगेट पॉपुलेशन होता क्या है कि आप जिन पॉपुलेशन पर रिसर्च परफॉर्म करोगे वो आपके टारगेट पॉपुलेशन होंगे अब टारगेट पॉपुलेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता होता है अब क्या होता है फ्रेम फ्रेम अब अब क्या जैसे आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन है सो तो आप ये डिसाइड करोगे कि कि किन किन लोगों से मुझे डेटा मिल सकता है सो तो आप क्या करते हो सैंपलिंग फ्रेम में एक उन लोगों की एक लिस्ट बना लेते हो सो तो इसी लिस्ट को आप कहते हो सैंपलिंग फ्रेम सैंपलिंग फ्रेम के बाद आप टेक्निक्स यूज करते हो कि किस टेक्निक से आप और किस मेथड से आप सैंपल को सिलेक्ट करोगे Probability sampling या फिर आप, से select करोगे, आप ये चूज करते हो नेक्स्ट आप सैंपलिंग परफॉर्म करते हो so, सो स्टेप में आप सैंपलिंग परफॉर्म करते हो सो लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन लिस्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन आप टारगेट पॉपुलेशन में से उन लोगों के लिस्ट बनाते हो

then here option C H1 is देन योट इक्वल टू फिफ्टीन सो यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल है एज एंड फिफ्टीन ओके सो यहाँ पर आपको गिवेन है एज uh, is not equal to 15 means age 15 नहीं होंगी बट कुछ ना कुछ एज होगी मीन्स कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा लेकिन हमको डायरेक्शन नहीं गिवेन है सो दट्स वाई here दिस इज रिलेटेड विथ नॉन डायरेक्शनल hypothesis ओके okay. तो पर hypothesis हमें ये बताती है कि के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है बट वो variables कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कैसे चेंज हो रहे वेरिएबल ये नहीं शो करती ऑप्शन ए एज इज ग्रेटर देन फिफ्टीन सो यस हियर ऑप्शन एज द राइट आंसर जहां पर आप देख रहे हो एज ये ग्रेटर है देन फिफ्टीन मीन्स एज ज्यादा है ओके एज यहाँ पर एज वेरिएबल एज क्या है ज्यादा है मीन कुछ ना कुछ डायरेक्शन बता रहे है ये वेरिएबल्स के बीच में सो यस स्टूडेंट जब भी कोई दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन और डायरेक्शन हो उसे हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ओके सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर और इट इज रिलेटेड विद द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च इसमेंटल हमने देखा था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च research में रिसोर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरियबल पर यह फाइंड आउट करते है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन देरिये इंडिपेंडेंट एंड वेरिएबल तो अब जैसे यहाँ पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हाइपोथेसिस ले डाउन कर कर और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर कर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर का यहाँ पर ये यह हाइपोथेसिस होगा कि इंक्रीजेस वाटर इंक्रीजिंग प्लांट ग्रोथ अगर आप प्लांट को ज्यादा वाटर दे रहे हो तो हो सकता है कि आपका प्लांट ज्यादा ग्रो करे ओके सो तो यहाँ पर रिसर्चर ने अपने हाइपोथेसिस ले डाउन करा और इसी हाइपोथेसिस को अपने रिसर्च में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर कर इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे रिसर्चर सो यस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर कर इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे देन यहां पर आपका ऑप्शन बी गिवन है हिस्टोरिकल रिसर्च हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री हिस्टोरिकल रिसर्च में रिसर्चर कोई कोई हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस ले डाउन नहीं नहीं करते करते और को टेस्ट यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी सर्वे सर्वे एक मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन होता है हम सर्वेस के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं सर्वे में भी आप कोई हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो

ऑप्शन बी इज को रिलेशनल रिसर्च सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जैसा देखा रिसर्च में हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं जैसे मान लीजिए हो, तो हो सकता है कि आपके ज्यादा चांस होंगे की आपको लंग कैंसर हो सो so, यहाँ पर आपका स्मोकिंग जो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और लंग कैंसर आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल

एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो लेकिन को रिलेशनल रिसर्च में भी हम वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन देखते हैं और हाइपोथेसिस को रिसर्च में भी टेस्ट किया जाता है दैट्स पर आपका ऑप्शन ए और बी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑप्शन ए एंड बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड को रिलेशनल रिसर्च में आपको हाइपोथेसिस की जरूरत होती है आप एक्सपेरिमेंटल एंड को रिलेशनल रिसर्च में आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो देन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हिस्टोरिकल रिसर्च हिस्टोरिकल रिसर्च में आपको कोई हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करना होता है बिकॉज हिस्टोरिकल रिसर्च में ऑलरेडी डेटा होता है पास्ट इवेंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं कोई हिस्ट्री होती है पास्ट हिस्ट्रीज हिस्ट्रीज पर बेस्ड हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं सो हिस्टोरिकल रिसर्च में हमें हाइपोथेसिस को हम टेस्ट नहीं करते हैं और ना ही हिस्टोरिकल रिसर्च में हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की जरूरत होती है दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हिस्टोरिकल रिसर्च

So, पे रिमेम्बर जब भी आप देखते हो कि कोई sentence और कोई statement, if से start हो रहा है कि मेरे जो प्लांट्स है प्लांट्स फास्ट ग्रो करे ओके okay? सो so, ये एक हाइपोथेसिस हो गया है. अगर मैं ऐसा करूँ तो ऐसा हो सकता है तो so, ये एक हाइपोथेसिस हो गई ये रिसर्चर के एक अजम्पन है और ये रिसर्चर का कुछ गेसेस है सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस, देन ऑप्शन बी आपको गिवन है इफ आई ब्रश माय टीथ एवरी डे देन आई विल नॉट डेवलप कैविटीज मीन्स अगर इफ मीन्स फिर से इफ आ रहा है मीन्स अगर मैं डेली अपने तीत को ब्रश करती हूँ तो कैविटीज नहीं डेवलप होगी सो ये रिसर्चर के अगेन

मैं टायर्ड फील नहीं करूंगी ओके okay? सो so, अगर से स्टेटमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है मीन्स ये एक हाइपोथेसिस है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा ये भी हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है दैट्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल दी अब बिकॉज दिस आर दल ऑफ हाइपोथेसिस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग्राम so के होता है तो so, पहले हम देखेंगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा मीन्स आपके जो लेफ्ट साइड और राइट right साइड में जो इमेज होगी आपकी मीर इमेज दिखेंगे आपको अगर आप आपके डिस्ट्रीब्यूशन को बीच से कट कर रहे हो That means, आपका लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होगा इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है जैसे आप देख रहे हो इस डायग्राम में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ये लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादातर झुका हुआ है सो so, इस केस में आपका सबसे छोटी वैल्यू होती है मोड देन मीडियन एंड लास्ट इज मीन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है इस केस में देन नेगेटिव स्क्यू क्या होता है नेगेटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये राइट right साइड की तरफ टिल्टेड होता है मीन राइट साइड की तरफ झुका हुआ होता है तो so, इस केस में आपकी सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो होती है मीन फिर से ज्यादा मीडियन और सबसे हाईएस्ट होगी आपकी मोड सो नेगेटिव स्क्यूड में आपके मीन सबसे छोटा होता है देन मीडियन एंड लास्ट इज मोड सो ये कंडीशन होगी आपके नेगेटिव स्क्यूड में लेट्स वाई योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मीन मीडियन एंड लास्ट आएगा आपका मोड नेक्स्ट क्वेश्चन डी ओ आई स्टैंड फोर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डी ओ आई का फुल फॉर्म क्या होता है So, पहले तो हम जानते हैं कि डी होता क्या है सो so, जब भी रिसर्च अपने रिसर्च को ऑनलाइन पब्लिश करता है तो उसको एक नंबर मिलता है उसको हम कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर सो अगर किसी को किसी को भी आपका या फिर रिसर्चों का आर्टिकल फाइंड करना है तो वो डी नंबर के थ्रू आपके आर्टिकल को फाइंड करते हैं तो so, यहाँ पर डी ओ आई का फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू टूमोरो